अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू करंट अफेयर विद ताहिर। और इस टॉपिक में वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ग्लोबल ट्रेडिंग। और ग्लोबल ट्रेडिंग में हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने डिस्कस करना है। सही, तो सबसे पहले हम ग्लोबल ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर मैं जो अपने मेरा जो पैशन या मेरा ड्रीम है, ठीक है, $1 million का, दैट्स माई वे, ठीक है, तो मैं उसे भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। और हमने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की, मतलब के फिनिक्स पेज के ऊपर, ठीक है, वो आप हमारी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, रियल परफॉर्मेंस है, रियल बेस पे। तो सबसे पहले हम ग्लोबल ट्रेडिंग को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल ट्रेडिंग बेसिकली आपकी करेंसी की जो ट्रेडिंग है, और गोल्ड, ऑयल, सिल्वर या इस तरह की जितनी भी ट्रेडिंग, जिसे आप क्रिप्टो को भी ग्लोबल ट्रेडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अब क्रिप्टो भी जो है वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है, और ज़्यादातर जो है वो चाइना की जो एक्सचेंज है बाइनेंस, उस पर ट्रेड हो रही है। इसके अलावा और चाइना की काफ़ी सारी एक्सचेंज है, होबी ग्लोबल वगैरह, ठीक है, तो होबी ग्लोबल पे भी और बाइनेंस पे, दोनों पे ट्रेड हो रही है। तो इन जितनी भी ये ट्रेडिंग्स हैं इनको हम ग्लोबल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें अपना जो मेरा पैशन है मैं वो भी शेयर करूँगा, और जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आपके सामने $1 million आपको शो हो रहा होगा। अब रिसेंटली जो 3 माह का हमारा रिज़ल्ट है, मतलब ग्लोबल ट्रेडिंग के अंदर परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो रियल बेस्ड परफॉर्मेंस है। और माशाल्लाह से जो हमने परफॉर्मेंस शेयर किए, ठीक है, यूरो के ऊपर हमारी ट्रेड्स हैं, ऑयल के ऊपर है, गोल्ड के ऊपर हैं, और माशाल्लाह से 2 से 3 टारगेट जो वो हिट हुए हैं, और वो कुछ छोटी ट्रेड नहीं है। मतलब एक ट्रेड होती है आपको एक दिन में दे दी जाती है, 50 पिप 60 पिप का जो है वो लॉस या प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट वगैरह, और या फिर एक दिन या 1.5 दिन की या 2 दिन की ट्रेड होती है, वो माशाल्लाह से 2 माह से ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। अब यूरो की जो हमने ट्रेडिंग कॉल दी थी, ठीक है, सेल करवाया था हमने 1.0720 से, और हमने टारगेट दिया हुआ था 0.9818, तो माशाल्लाह से यूरो जो है वो 0.9770 समथिंग या 50 या 60 तक गया है, ठीक है, यानी कि 50-60 पिप से सिर्फ जो है वो लास्ट टारगेट हमारा रह गया है, और बाकी माशाल्लाह ओवरऑल जो है वो 750 पिप जो है उसमें हमने अचीव किए हैं। तो दोस्तों ये मतलब कि 2 माह बाद माशाल्लाह से ट्रेड हुआ, उस पर हमने मेंशन भी किया था कि लॉन्ग टर्म कॉल है, शॉर्ट टर्म नहीं है, यानी कि ये 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, और 1-2 माह भी लग सकते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जिनमें 1 माह में हमें रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो जिनमें 1 वीक में रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, मार्केट की वॉलेटाइलेशन के ऊपर है, मार्केट के अंदर जितनी लिक्विडिटी हो, मार्केट जैसा मूव करती हो, अभी जो मार्केट की मूवमेंट है उस हिसाब से जो मार्केट की अभी कोई मूवमेंट खास नहीं रही, क्योंकि मार्केट इस वक्त अंडर प्रेशर है, बुल एंड बेयरिश, मतलब बाइंग एंड सेलिंग दोनों हैं। तो दोस्तों ग्लोबल ट्रेडिंग जो माशाल्लाह से फिनिक्स के नाम से हमने वर्किंग, पहले भी हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमने, मतलब हमारी वर्किंग रही है, ठीक है, और उसमें यानी ज़्यादातर यूरोपियन क्लाइंट हमारे या अरब कंट्रीज़ के, इंडिया के भी क्लाइंट रहे काफ़ी, ठीक है, और अमेरिका वगैरह के भी हमारे क्लाइंट रहे। तो माशाल्लाह से उसमें जो हमारा ओवरऑल यानी कि यूँ समझ लें इक्विटी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, टोटल हमारा जो स्टार्टिंग कैपिटल था वो कोई तकरीबन होगा 8-10 हज़ार डॉलर, ठीक है, और माशाल्लाह से जो हमने गेन किया है, ठीक है ना, 3 मंथ हमने तकरीबन गेन किया है उसमें, और हमारा जो ओवरऑल जो टोटल एसेट्स बनते थे, मतलब कुल मिला के प्रॉफिट के साथ जो है वो माशाल्लाह से $35,000 या इससे भी अवर थे, मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट क्लाइंट थे जिनके अकाउंट जो है वो कॉपियर के ऊपर लगे होते हैं। तो मार्केट सडनली जब क्रैश हुई थी उससे पहले, ठीक है ना, मतलब जो हमारे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जैसे, तो हम हर मंथ के मंथ जो है वीकली भी इवन के प्रॉफिट जो अपना होता था वो हम विड्रॉ कर लेते थे, ठीक है, यानी मैं टोटल बता रहा हूँ कि हमने कैपिटल इतना गेन किया, ठीक है ना, मतलब के प्रॉफिट के बाद, तो हम साथ साथ में अगर 1000 का अकाउंट है, ठीक है, तो 9500 का अगर हमने गेन किया है,
तो हम वो साथ साथ उसका प्रॉफिट जो मतलब कि मंथ का अगर $1,500 है तो हम उसको विड्रा करते रहे, अगर $3,000 है तो हम उसको विड्रा करते रहे। ओवरऑल जो हमारी इक्विटी लेफ्ट थी वो बहुत ही कम थी, जो मतलब कि मार्केट मिसहैप हुआ है, ठीक है, मार्केट मिसहैप होते रहते हैं, ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी सारे मिसहैप होते हैं। यानी कि ये ऐसी मार्केट है जिसमें डेली का जो वॉल्यूम है, सिर्फ डेली का बाइंग एंड सेलिंग मतलब दोनों की तरफ से, मतलब करेंसी के अंदर होता ही यही है कि काउंटर एक करेंसी है, एक बेस करेंसी है, ठीक है, या तो आप सेल करेंगे या तो आप बाई करेंगे। आपने जो काउंटर करेंसी है अगर उसको जो है वो बाई किया है, ठीक है, तो आपने आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेल लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि काउंटर करेंसी जो है वो अपोजिट साइड, और जो बेस करेंसी है जैसे यूरो यूएसडी तो वो बेस करेंसी यूरो है, ठीक है। अगर आप मीन के सेलिंग करते हैं तो इसमें आपने यूरो को सेल कर दिया, काउंटर करेंसी जो है ऑटोमेटिक बाई होगी, डॉलर बाई हो गया। तो ये है ग्लोबल ट्रेडिंग दरअसल, ठीक है। अब इसमें जो मार्केट का जो डेली वॉल्यूम होता है वो $3 trillion होता है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है वो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट बड़े जितने भी ब्रोकर्स हैं या बड़ी जितनी भी फर्म है माशाल्लाह से वो भी ट्रेड करती हैं, और ख़ास तौर पर यूरोप, जो यूरोप के क्लाइंट हैं, ठीक है ना, मतलब बड़ी फर्म जो काम करती हैं बड़े लेवल पर, ठीक है, तो उनका लेवल ये होता है कि वो तकरीबन $4-5 लाख एटलीस्ट उनका स्टार्टिंग ही $1 लाख होता है, ठीक है, $1 लाख, €1 लाख जो है वो उनका स्टार्टिंग होता है, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग ऐसी होती है, उनके ज़्यादातर ऑर्डर जो है आप उनको एज अ थोड़ा एग्जांपल आप हमारा पेज भी विज़िट कर सकते हैं फिनिक्स, और वो किस तरह माशाल्लाह से ट्रेडिंग करते हैं। एफएक्स स्ट्रीट नाम की एक वेबसाइट है, एफएक्स स्ट्रीट, तो वहाँ पर उनकी ट्रेडिंग पोजीशन आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट ब्रोकर भी जो है वो उस पर ट्रेडिंग करते हैं, डिफरेंट फर्म है, ठीक है ना, मतलब बड़ी कंपनीज़ हैं जो यानी कि ट्रेडिंग कर रही होती हैं, आप उनको भी वहाँ पर देख सकते हैं। आप उसके बाद हमारी जो फिनिक्स है पेज, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। जो हमारी ट्रेडिंग है किसी की कॉपी नहीं है, ठीक है, हमारी जितनी भी ट्रेड्स लगी होती हैं वो किसी की भी कॉपी नहीं होती है, मतलब हमारी जितनी भी ट्रेडिंग है वो हम खुद से प्रिडिक्ट करके, खुद से एनालाइज करके जो वो पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें फंडामेंटल, टेक्निकल तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारा यानी हमारी टीम देखती है, ठीक है ना, और फिनिक्स पेज के ऊपर आपको तमाम तर जो मालूमात हैं, ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिंग के वो इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं अपना पैशन जो है वो अपना ड्रीम उसको डिस्कस करता हूँ। पैशन क्या है? देखिए, पैशन डिफरेंट तरह के लोगों के डिफरेंट पैशन होते हैं। मैं अपना पैशन शेयर करता हूँ। जिस मार्केट में आपने एक अरसा वर्क किया हो, ठीक है, एक अरसा ग्लोबल ट्रेडिंग में आपने टाइम लगाया हो, वर्क किया हो, ठीक है, उसमें ट्रेडिंग करते हुए आपको समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो मिसहैप होने की वजह से आप मार्केट से बुल एंड बियर की वजह से आप जो है वो मार्केट से आपको समझ लेंगे पंच लगता है। लेकिन जब आप एक अरसे बाद जब आप ट्रेडिंग में मतलब आपका पैशन हो, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या ग्लोबल ट्रेडिंग में बहुत सारी गोल्ड भी है, ऑयल भी है, करेंसी क्रिप्टो करेंसीज भी है, जब आपका पैशन हो, ठीक है, तो ये चीज़ फिर जो है यानी ग्लोबल ट्रेडिंग जो है वो माशाल्लाह से यानी कि आप उनमें टारगेट अचीव करने में इंशाल्लाह ताला बहुत इजी रहते हैं, डाउट नहीं रहता, ठीक है ना, डाउट होता है, डाउट भी नहीं रहता। तो $1 million जो है, $1 million मेरा ड्रीम है, ठीक है ना, माई ड्रीम्स मतलब के बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब भी मतलब के स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, मेरे अपने अकाउंट भी थे, ठीक है ना, उस टाइम पहले जो हमारा मिसहैप हुआ, ठीक है, तो मार्केट की बहुत बड़े बड़े क्रैश हुए हैं, आप सर्च कीजिएगा, मार्केट ठीक ठाक बड़े क्रैश हुए हैं, इतने बड़े क्रैश होते हैं कि जो ब्रोकर्स होते हैं $100 million अबव उनके भी लॉसेज हो जाते हैं। अभी जो पीछे क्रिप्टो के लॉसेज हुए हैं तो उनमें बिलियनर जो हैं डॉलर में जो बिलियनर हैं उनको भी ठीक ठाक लॉसेज हुए हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं। तो ऐसे जब मिसहैप होते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो मैं सिर्फ अपनी जो यानी कि जो हम ट्रेडिंग है मैं सिर्फ उसके मतलब शेयर कर रहा हूँ, बाकी किसी कोई किसी की कुछ भी मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। अब माई वे मतलब के
ग्लोबल ट्रेडिंग के अंदर $1 मिलियन ये मेरा ड्रीम है, ठीक है, कि मैं मतलब अचीव करने का। अब बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ये यानी कि मिनिमम ड्रीम है, मिनिमम ड्रीम का टारगेट है कम से कम, ठीक है। तो अब बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, उनके लाइफस्टाइल आपने आप देख मतलब के मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ कंट्रीज में रहते हैं, आप उनके लाइफस्टाइल मतलब देख सकते हैं जो सही मायने में सक्सेस हुए हैं। और यहाँ पे अब बात ये आती है मिनिमम कैपिटल की, ठीक है। अब ग्लोबल ट्रेडिंग में जो मिनिमम कैपिटल है $1,000 से लेस जो है वो कैपिटल हो ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो वो सिर्फ जस्ट टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अच्छा कैपिटल या जो सही मायनों में जो ट्रेडिंग करते हैं वो एटलीस्ट $10,000 इससे अबव होता है, ठीक है। यानी कि आपका रिस्क जो है, या फिर आप मार्केट को सही मायनों में आप ट्रेड कर सकते हैं, या ट्रेडिंग पोजीशन जो आप ले रहे हैं $1,000, देखें आपके पर्सनल आप ठीक है, अगर आप अच्छी नॉर्मल मतलब ठीक अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन फॉरेक्स के अंदर या ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, वो भी यूँ समझ लें कि बहुत कम है, तकरीबन ना होने के बराबर होता है। यानी कि स्टार्टिंग यूँ समझ लें कि $10,000 से जो है वो फॉरेक्स में ग्लोबल ट्रेडिंग में इन होना, या स्टार्टिंग जो है वो $10,000 से अबव है। यानी कि यूँ समझ लें कि अगर अच्छा कैपिटल है तो हंड्रेड लाख तो मतलब कि $100,000 है, ठीक है, $100,000 या इससे अबव जो अमाउंट है, फिर आप मतलब यूँ कह सकते हो ग्लोबल ट्रेडिंग करने में ईजी रहेगा, या आप मार्केट को अच्छे तरीके से जो है वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर किए हैं। अब फॉरेक्स के अंदर $10 से भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, $5 से भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, $100 से भी कर रहे हैं, वट एवर जिसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई $500 से भी करते हैं, ठीक है। तो कोई फिक्स मतलब इसमें अमाउंट नहीं है कि कोई जो है वो इतने से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर भी, डिफरेंट जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि हमारी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, मेरी खासतौर पर जितने भी फिनिक्स पर हमारी ट्रेड हैं, वो कहीं से भी किसी भी जगह से कॉपी नहीं होती है, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी जगह से हमारी जो एनालिस है, ठीक है, वो हमारी पर्सनल एनालिस होती है और हम खुद उसको एनालिस करके पोस्ट करते हैं। बहुत सारे मतलब इस तरह है कि भाई ये मे बी कॉपी, हम पर्सनल जो हमारी खुद की एनालिस है, ठीक है, हम उसको शेयर करते हैं जो लेवल्स हैं या फिर जो फंडामेंटल्स हैं कि मार्केट के जो पीछे मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का जो करेंसीज़ के पीछे जो डिफरेंट कंट्रीज़ का जो बैकएंड होता है, या फिर इनके सेंट्रल बैंक की तरफ से मुख्तलिफ जो डेटा होते हैं, GDP का हो या इकोनॉमिक या वट एवर इन्फ्लेशन या मतलब जॉब्स का, अनएम्प्लॉयमेंट का, जितना भी होता है, तमाम तर चीज़ें जो है वो उसमें स्टडी की जाती हैं, ये फंडामेंटल्स को देख कर फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फिर वो चीज़ शेयर की जाती है, ठीक है। और ताकि जो है अगर कुछ टारगेट ऐसे होते हैं, कुछ ट्रेड मतलब जो ट्रेड दी जाती है वो, अब जैसे कि यूरो की हमारी ट्रेड मई के अंदर जो हमने दी है, अब जुलाई आ गया, ठीक है, तो 2 माह बाद जो तकरीबन 1.5 माह 2 माह के अरसे में एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड जो माशाल्लाह से मेजर पेयर है यूरो USD, ठीक है। एक तो होता है क्रॉस पेयर है, जो छोटे छोटे पेयर हैं, यूरो न्यूजीलैंड है, यूरो AUD है वगैरह, ठीक है। तो मेजर पेयर के अंदर जो है वो 750 pip जो है वो माशाल्लाह से एक बड़ी अचीवमेंट होती है। और इसी तरह हमारे गोल्ड के अंदर भी 1840 से जो है वो माशाल्लाह से, यानी 1780 फिर 1720 और फिर 1700 जो हमारा टारगेट माशाल्लाह से अचीव हुआ है। तो ये भी हमारी एक जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेड में मतलब कि तमाम तर टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।